इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप अपने मोबाइल के कीपैड में आप अपना फोटो कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो है अपने कीपैड को ओपन कर लेना है आपको किसी भी मैसेज वगैरह टाइप करने के लिए। चलिए मैं यहां पर अपने कीपैड को ओपन कर लेता हूं व्हाट्सएप में आकर एक मैसेज टाइप करने के लिए। तो देखिए जब आप कीपैड को ओपन कर लेंगे तो इस तरीके से आपका कीपैड ओपन हो जाता है। अब दोस्तों अगर आपको अपना फोटो कीपैड में सेट करना है तो उसके लिए देखिए कीपैड में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहां सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको यहां थीम का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहां पर क्लिक करिए। और उसके बाद दोस्तों आपको यहां माई थीम में ऑप्शन मिल जाएगा सबसे पहले प्लस का, तो आप यहां पर प्लस पर क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद यहां पर आपके गैलरी के सारे फोटो आ जाएंगे। अब दोस्तों देखिए आपको जो भी फोटो अपने कीपैड में सेट करना है उसको आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे दोस्तों मैं यहां से अपने इस फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूं, तो चलिए मैं यहां पर अपने इतना रखता हूं, और सेट करने के बाद आपको यहां नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आप यहां से अपने ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो अपने फिंगर को इस बिंदु पर टच करके आप यहां पर क्लिक करके ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, और आप चाहे तो घटा भी सकते हैं। फिलहाल आपको जो है बढ़ाकर ही रखना है ताकि आपका फोटो सही तरीके से दिखे। तो आपको 100% कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ डन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स एक बार आपको यहाँ अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है, तो उसके बाद आपके कीपैड में जो है आपका फोटो सेट हो जाएगा। जैसे देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हैं हमारे कीपैड में हमारा फोटो सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है अपने मोबाइल के कीपैड में अपना फोटो सेट कर सकते हैं। अगर यहां पर वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।